किसान सस्ता अनाज भी दे देश को, किसान के बेटे देश के लिए सेना में भर्ती होकर अपने बेटों का जवान के लिए सेना के लिए अपने बेटों की जवानी भी दे और पुलिस के डंडे खाने के लिए अपनी संतान भी दे। आपने किसानों से बात की जिसके लिए ये कानून बना रहे हो आप, आपने मंडी के कर्मचारियों से बात की जो मंडी एक्ट के अंतर्गत आप प्रोविजन कर रहे हो, आपने किसान संगठनों से 200 से ज्यादा किसान संगठन है देशभर में, एक किसान संगठन को बुला के बात की, आपने कहीं किसी रूप में सार्वजनिक रूप से इस एक्ट को लेकर राज्य सरकारों से बातें की जिनको इस एक्ट को पालन करना है, आपने राजनीतिक दलों से बात की। एक कृषि 80% आबादी देश की कृषि प्रधान है, कृषि पे निर्भर है और उसके बावजूद आपने किसी से बात ही नहीं की। जमाखोरी को बढ़ाने के लिए ये एक्ट एपीएमसी एक्ट लेके आए, आपने स्टॉक की लिमिट को समाप्त कर दिया, स्टॉक की लिमिट समाप्त तो इसका मतलब है आपने छूट दी कि जमाखोरी करो और सप्लाई कब करो, जब फसल आए। आपने 2015-16 में देखा होगा कि दालें समाप्त हो गई थी, 30 रुपए की दाल 40 रुपए किलो 50 रुपए किलो तक भी बिकी, फिर 250, 300 और 250 एवरेज बना, विदेशों से दाल मंगाई गई, अडानी जी का नाम आया, ये क्या था? ये स्टॉक घोटाला था, गरीबों को किसानों की दालों को स्टॉक किया, जमाखोरी की और फिर जनता में 250 रुपए किलो बेचा। देश में जो हालात बन रहे हैं सर्वविदित है, हालात बन रहे हैं कोविड को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महामारी से मृत्यु को लेकर, बढ़ते हुए आंकड़ों से लेकर, साथ ही साथ आत्मनिर्भरता की बातें भी हो रही है और किसान के लिए बखान किया जा रहा है देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी, और सौभाग्य मामले में जब किसान की बात आती है तो कृषि मंत्री हमारे प्रदेश के होते हैं। पर देश के हालात क्या हैं? देश के हालात है कि किसान सस्ता अनाज भी दे देश को, किसान के बेटे देश के लिए सेना में भर्ती होकर अपने बेटों का जवान के लिए सेना के लिए अपने बेटों की जवानी भी दे और पुलिस के डंडे खाने के लिए अपनी संतान भी दे। आप देखो कि पहले देश के प्रधानमंत्री नारा देते थे जय जवान जय किसान, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के पूरी भावना में मर किसान मर जवान। प्रोसेस क्या है, कार्यशैली क्या है? मोदी सरकार ने वादा किया देश से, किसानों से, कि 2022 में आय दुगनी करेंगे। 2022 में आय तो दुगनी नहीं हुई, किसान और किसान मजदूर की आत्महत्या दुगनी हो गई 2014 से। आंकड़े एनसीआरबी के जो 2019 के आए, 1,39,000 किसानों ने, किसान और अन्य लोगों ने पूरे देश की आत्महत्याएं की, जिसमें से 50% किसान और कृषि से जुड़े हुए लोग। जो 2014 के आंकड़ों की बात करें तो सीधा डबल आत्महत्या का मोदी सरकार का आंकड़ा है। मैं मानता हूं इससे ज्यादा दुर्गति कुछ नहीं हो सकती है। आज मोदी जी ने, बीजेपी ने और बीजेपी की विचारधारा ने जितने निर्णय लिए जब जब ये सरकारों में रहे, तो इनकी मूल स्वभाव किसान विरोधी रहा, किसान विरोधी भी रहा और किसानों के दमन का रहा। आप देखो 3 अध्यादेश लेके आए अभी, एक मंडी एक्ट, एक कारपोरेट एग्रीकल्चर में एक्ट, तीसरा जमाखोरों को के खिलाफ एपीएमसी एक्ट, ये 3 एक्ट। कानून बनता है, हर सरकार का अधिकार होता है, पर आपने किससे बात की? आपने किसानों से बात की जिसके लिए ये कानून बना रहे हो आप, आपने मंडी के कर्मचारियों से बात की जो मंडी एक्ट के अंतर्गत आप प्रोविजन कर रहे हो, आपने किसान संगठनों से, 200 से ज्यादा किसान संगठन है देश भर में, एक किसान संगठन को बुला के बात की, आपने
कहीं किसी रूप में सार्वजनिक रूप से इस एक्ट को लेकर राज्य सरकार से बातें की जिनको इस एक्ट को पालन करना है? आपने राजनीतिक दलों से बात की? एक कृषि 80% आबादी देश की कृषि प्रधान है, कृषि पे निर्भर है, और उसके बावजूद आपने किसी से बात ही नहीं की इतने बड़े आबादी को प्रभावित करने वाले एक्ट के खिलाफ या उसके लिए। कैसी तानाशाही है, कैसी ये घनघोर हिटलर शाही है नरेंद्र मोदी की। मुझे तो दुख तब हुआ जो मेरे प्रदेश के लिए कृषि मंत्री हमारे प्रदेश के हैं भाई, क्या करा उनने, क्या बोले वो किसान पुत्र, किसान मेरा भगवान, मैं किसान का बेटा, उसने भगवानों पे होने वाले अत्याचार से अपने साथ में काम करने वाले कृषि मंत्री से बात ही नहीं की। एक वो व्यक्ति जो जन सेवा की बात करते थे, महाराज शिवराज, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र तोमर, सारों ने मिलकर किसानों के साथ इतने बड़े अन्याय को कैसे होने दिया? मैंने जैसा कहा कि एग्रीकल्चर में किसान अपने बेटों को सेना में भेजे देश की सेवा के लिए, जब किसान के बेटों पे डंडे पड़े पुलिस के, तो हमारे ही बेटे आगे आए, किसान के ही बेटे आगे आए, और किसान देश को सस्ता अनाज भी खिलाए। नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं 3 साल का अभी हमारे पास स्टॉक है गरीबों को खिलाने का, इतना गर्व से कैसे बोलते हैं जब किसान ने पैदा किया तब, या आपने कोई जादू कर दिया तब? एक व्यक्ति से आज तक बात नहीं की। आप देखो जमाखोरी को बढ़ाने के लिए ये एक्ट एपीएमसी एक्ट लेके आए, आपने स्टॉक की लिमिट को समाप्त कर दिया, स्टॉक की लिमिट समाप्त, तो इसका मतलब है आपने छूट दी कि जमाखोरी करो और सप्लाई कब करो, जब फसल आए। आपने 2015-16 में देखा होगा कि दालें समाप्त हो गई थी, 30 रुपए की दाल 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो तक भी बिकी, फिर 250, 300 और 250 एवरेज बना, विदेशों से दाल मंगाई गई, अडानी जी का नाम आया, ये क्या था? ये स्टॉक घोटाला था, गरीबों को, किसानों की दालों को स्टॉक किया, जमाखोरी की और फिर जनता में 250 रुपए किलो बेचा। ये अपने दोस्तों को ओबलाइज करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि किसानों के ऊपर अधिग्रहण करने की उनकी सोच, उनकी विचारधारा, किसानों को कैसे दबा पाए। मैंने कहा मूल रूप से किसान विरोधी लोग ये एक्ट लेके आए। दूसरा एक्ट है मंडी समाप्त करने का षड्यंत्र, प्राइवेट मंडी, मंडी खोलेंगे प्राइवेट मंडी, और उसमें प्राइवेट मंडी में कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब है आप ये कह रहे हो कि ओपन बाजार में जो राज्यों की आय मंडी टैक्स से होती थी वो हम कम करेंगे, समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे। मंडी किसान तो पहले ही ओपन बेचता था, उसकी इच्छा होती थी वहां बेच देता था, उस पर तो कोई प्रतिबंध था नहीं एग्रीकल्चरिस्ट पे। ये चाल जमाखोरों को जो जमा करने के लिए एक स्थान देना, जमाखोरी के लिए एक स्थान देना, इस मंडी एक्ट का मूल आधार है। तर्क क्या दिए गए? तर्क दिए गए कि ओपन की हमने पूरे देश में मंडी, एक जगह एक जैसी, कहीं भी कहीं का किसान अंतरराज्यीय बेच सकता है। आसाम का किसान भोपाल आएगा मंडी दीप जाएगा, आसाम का किसान इंदौर आएगा, तमिलनाडु का किसान आसाम जाएगा, कैसी बातें कर रहे हैं? 82% किसान छोटे और मझोले हैं, 82%। इसका मतलब यह है कि 5 एकड़ से नीचे, तो जो 5 एकड़ का किसान तो यहां से ले जाके सीहोर, सीहोर से ले जाके आष्टा नहीं ले जाना चाहता, इंदौर नहीं ले जाना चाहता, तो वो अंतरराज्य कैसे जाएगा? झूठ, पाखंड, टोटल पाप, मन में पाप, कार्यशैली में पाप, हर तरीके से दमन की नीति जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, सोच वैसी। तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर, ठेके पे कृषि, छोटे किसानों को 1 एकड़ 2 एकड़ के बड़े उद्योगपतियों को ठेके पे दिलाना। मतलब कैसी चाल है कि पहले छोटे किसानों से जमीन ठेके पे लो, फिर इसी उनकी फसलों को स्टॉक करने के लिए व्यापारियों को बिना टैक्स लिए प्राइवेट मंडी डाल के छूट दो, और फिर उस स्टॉक को जब फसल आए तो मार्केट में ले जाओ तो
किसान समाप्त हो जाए, एग्रीकल्चर समाप्त हो जाए, उसके बेटे आत्महत्याओं में डबल कर ले। वाह नरेंद्र मोदी वाह। इसलिए आपने कहा था कि मैं दोगुनी आय करूंगा मैं एग्रीकल्चर की, आपने इसलिए कहा था कि मुझे वोट दो, लोगों ने आप पे भरोसा किया, किसानों ने कहा अब की बार किसान की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार। इतना बड़ा पाप जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी तीनों एक का विरोध करती है। जैसा मैंने कहा कि आपने न किसानों से बात की, न आपने मजदूरों से, किसान से जुड़े हुए मजदूरों से, संघों से बात की, न आपने किसान संगठनों से बात की, न आपने राजनीतिक दलों से बात की, न आपने खेती मजदूर और खेतीहर जो 30% खेती 22% से 30% खेती बटाई पे दी जाती छोटी और बड़ी, न उन बटाईदारों से बात की जो एग्रीकल्चर पे अपना जीवन यापन करते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप, कानून लागू होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी कहते हैं। ये मैं समझता हूं इस देश के साथ अन्याय है, किसान के साथ अन्याय है। कांग्रेस पार्टी हमेशा रही है, हमने जब जब कानून बनाए संबंधित जो उससे इम्पैक्ट जिन पे पड़ता है, जिनको लाभ होता है, जिनके अधिकारों को हम लेते हैं और जिनको अधिकार प्रदान करते हैं, सबसे बात की, राजनीतिक दलों से बात की, वो चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे खाद्य का अधिकार हो, चाहे आदिवासियों के हितों का अधिकार हो, चाहे किसान जमीन अधिग्रहण जैसा मैंने जिक्र किया उसकी बात हो, शिक्षा के अधिकार की बात हो, हमने हमेशा अधिकार में नागरिकों का या इम्पेक्ट होने वाले जो जो भी परिवारजन था उनसे चर्चा करके कानून बनाया। और इन्होंने मनमानी से, मन की बात जैसे करते हैं एक तरफा, वैसे मनमानी से कानून बनाए। कहां है महाराज और शिवराज जो किसानों के ऋण माफी की बात करते थे? किसानों के ऋण माफी नहीं हुआ समय पे, इसलिए हम कांग्रेस की सरकार गिरा देंगे। अभी तक किसानों का ऋण माफ नहीं किया, अब अपने हलक से एक मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और कितनी बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति को कहा था शिवराज तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं, अब उसकी मुंह भर भर के तारीफ करते हो। कितना दोगलापन है ये जनता के साथ, कितना बड़ा अत्याचार है। किसान के लिए एक एक शब्द नहीं निकलता आपके मुंह से। आप कहते हो जो मुझे काले झंडे बताएगा उसका मन काला है। इस प्रदेश की जनता मन से आपको काले झंडे बता रही है, इसका मतलब है कि आप प्रदेश की जनता काले मन की है? हमारे प्रदेश की जनता को आप काले मन की कहते हो? यही यही आपका जो गद्दारी का तमगा आप पे लगा है, इसीलिए लगा है कि आप प्रदेश को, पहले कांग्रेस को गाली देते थे, कमलनाथ को गाली देते थे, दिग्विजय सिंह को गाली देते थे, कांग्रेस से घृणा थी मेरे स्वार्थ के लिए, अब जनता से घृणा, प्रदेश की जनता से घृणा, उनको काला बताने की कोशिश। शर्म करो महाराज। और कहां है शिवराज? किसानों को पुत्र बताने वाले, किसानों को भगवान कहने वाले, किसानों की आत्महत्या के भाव को बढ़ाने वाले, अब इस मंडी एक्ट पे एक शब्द नहीं बोलते, न बताते, केवल पालन करेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो मैं मानता हूं कि ये सब घटनाक्रम किसान विरोधी है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। समय आएगा तो हम सदन से लेके सड़क तक, विधानसभा से लेके एक एक कस्बे तक किसान के हितों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जो हरदा में किसान यात्रा, डांडी यात्रा इसका निकल रही, उसका हम समर्थन करते हैं। जहां जहां भी देश भर में आंदोलन चल रहे हैं उसका किसान, कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। और किसानों का जैसा हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो ऋण माफी फिर से करेंगे, हमारी सरकार जैसे ही आएगी हम बिजली बिल हाफ हमारा वादा था वो करेंगे, हमारा एग्रीकल्चर को लेके कमलनाथ जी का मोटिव एकदम स्पष्ट था, एक एक वो बात जिसपे कि किसान का भला हो, किसान के बेटों को रोजगार मिले, किसान की आय दुगनी हो, उनकी लागत घटे, वो सारा काम हम वैसा ही करेंगे जैसे हमारा चल रहा था। जिस दिन चुनाव होंगे, रिजल्ट आएंगे, फिर कमलनाथ आएंगे और शिवराज। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।